हम बात कर रहे हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, लेकिन देख सकते हैं स्टॉक का ट्रेंड 260 के लेवल से बदल चुका है, अब ट्रेंड में है। हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था कि स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, 290 तक का जम दिखा सकता है, उसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। लेकिन देख सकते हैं इससे पहले जब भी स्टॉक में गिरावट आई है बाउंस बैक करके स्टॉक ने अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। गिरावट आई तो 280 के लेवल पर सपोर्ट लिया, जो कि इसका सपोर्ट एरिया ही है, 280 का लेवल नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट है। ब्रेकडाउन कर जाता है तो 275 और मेजर सपोर्ट रहेगा, जहाँ से स्टॉक ने गिरावट के साथ बाउंस बैक किया, 260 का लेवल मेजर सपोर्ट रहेगा। अब स्टॉक है अप ट्रेंड में, गिरावट आई है 290 के लेवल से, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं है, उसी के आसपास है, तो ब्रेकआउट के हाईली चांस बने हुए हैं। यहाँ से एनएलसी इंडिया अप ट्रेंड दिखा सकता है, बड़ी उड़ान दिखा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट की अगर बात करें तो इमीडिएट टारगेट रहेगा 290 का लेवल, जहाँ से रिजेक्शन ले गया, ब्रेकआउट कर गया तो 300 का लेवल, जहाँ इससे पहले स्टॉक ने हमको गिरावट दिखाई थी, देख सकते हैं बाउंस बैक कर रहा है, तो 300 के लेवल से अगर बड़ी गिरावट नहीं आती, स्टॉक इसके आसपास ही सस्टेन हो जाता है, तो ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। फिर अगला टारगेट 310 और 320 तक का जंप भी हमको एनएलसी इंडिया दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।